हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिता सिंह लाइफस्टाइल। सो गाइस, तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे दुर्गापुर में कहाँ कहाँ और किस तरह से पैंडल बनाया गया और कैसी मूर्ति है। तो इस ब्लॉग के एंड तक बने रहे, बीच में स्किप ना करें, आपको बहुत ही दिलचस्प इसमें बात मिलने वाली है और बहुत अच्छे अच्छे पैंडल मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ एंड तक बने रहें। तो ये है चतुरंग पैंडल जो कि बना है सिटी सेंटर में, और यहाँ का डेकोरेशन वाह इतना शानदार, इतना मस्त, और अंदर का डेकोरेशन का तो बात ही अलग है। देखिए मूर्ति भी इतना सुंदर था कि पूछिए मत, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया था। और इसमें इतना भीड़ था कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत अच्छा। और वहाँ पर संध्या आरती भी हो रही थी तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। बहुत शानदार डेकोरेशन किया गया था, बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अच्छा लगा देखने में। सो गाइस, तो ये हमारा सेकंड पैंडल जो कि हम लोग हैं मार्कोनी, और ये है दुर्गापुर टाउनशिप तरफ, जो कि इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा किया गया था और इसमें भीड़ भी बहुत अच्छी थी। एंट्री से लेके एंड तक बहुत अच्छा डेकोरेशन था इसका, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना मस्त पैंडल डेकोरेट किया गया है। हमको लग रहा बहुत बड़ा भी था और देखने में तो वाह कितना शानदार लग रहा था। देखिए बहुत मस्त डेकोरेशन, इतना मज़ा आया ना देखने में। बहुत ज़्यादा भीड़ भी था, बहुत टाइम लग रहा था मूर्ति के पास जाने में, पैंडल के पास जाने में, इसलिए थोड़ा क्लोज करके लिए जूम करके, बहुत अच्छा लग रहा था पर देखने में, और बहुत भीड़ भी था, मज़ा आ गया देख के। हेलो गाइस, तो ये हमारा थर्ड पैंडल जो कि हम लोग आए हैं गोपाल मार्ट, ये दुर्गापुर गोपाल मार्ट में है, और ये बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया था इसका। ये पंडाल बहुत बड़ा था और गोल्डन कलर में लग रहा था, पूरा टेंपल गोल्डन टेंपल जैसा लग रहा था, और इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ पर भी हम लोग थोड़े शाम में आए थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पर जैसे जैसे रात हुई थी भीड़ हुई थी। अभी हम एंट्री करने वाले हैं, जैसे मूर्ति देखने जा रहे हैं कैसा मूर्ति इसका अंदर में है, तो एंड तक बने रहें, देखिएगा मूर्ति से कैसा डेकोरेशन किया गया है। ऐसे तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, देखिए यहाँ पर एंट्री से में कितना मस्त डेकोरेशन किया गया है, अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ देखिए हाथी, बहुत अच्छा अच्छा डेकोरेशन किया गया था, देखिए ऊपर लैंप लाइट जैसा था ये सब, बहुत अच्छा डेकोरेशन लग रहा था इसका भी, और मूर्ति भी इसका बहुत अच्छा डेकोरेशन, अंदर का तो डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को। सो गाइस, तो देखिए अंदर का डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा था, देखिए अंदर में कितना मस्त डेकोरेशन किया गया है, और भीड़ भी बहुत थी, और मूर्ति भी बहुत अच्छा लाया गया था। यहाँ का मूर्ति भी बहुत खूबसूरत लग रही थी देखने में दुर्गा माँ, और अंदर का डेकोरेशन बहुत बेस्ट था। सो गाइस, तो ये है भिरिंगी नवारुण पैंडल जो कि बहुत मस्त डेकोरेशन था इसका, तो मेरे को बहुत मस्त लगा, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया इसका बाहर से भी, और इतना भीड़ था आप देख सकते हैं, एकदम बहुत भीड़, एक पैर रखने का जगह नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़, और इसका डेकोरेशन भी बहुत मस्त किया गया था। और यहाँ पर तो बहुत बड़ा मेला भी लगता है, तो बहुत मज़ा आया यहाँ घूमने में भी, और इसके अंदर का भी डेकोरेशन बहुत मस्त है, मतलब कि एकदम महल जैसा लग रहा था डेकोरेशन इसका, और पूरा लाइट कर रहा था, बहुत मज़ा। देखिए यहाँ पर लिखा नवारुण 2024, बहुत मस्त डेकोरेशन किया गया था। देखिए यहाँ पर भी पूरा मूर्ति ऊँट वगैरह सब है यहाँ पर, और अंदर का डेकोरेशन देखिए, यहाँ पर हम मेरे भैया मम्मी हम लोग यहाँ पर खड़े थे, देख रहे थे हम लोग ऐसे, अंदर वहाँ कुछ था इसलिए वहाँ देख रहे थे, और ये डेकोरेशन बहुत मस्त किया गया था, अंदर में भीड़ भी बहुत था, सब फोटो क्लिक कर रहे थे। सो गाइस, तो हमारा ब्लॉग यहीं पर एंड होगा, अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। बाय, कमेंट पे बताइएगा आप लोग जहाँ से देख रहे हैं वहाँ पर कैसा डेकोरेशन किया गया पैंडल, और कैसे पैंडल वहाँ बना है तो बताइएगा, और हमारे यहाँ का पैंडल आपने देख लिया ऐसा ऐसा पैंडल